शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 6 शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 6 यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें, हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे। वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो, तो तुम अपनी गिल्टियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्ति बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और अपने देश पर से उठा ले। तुम अपने मन में क्यों ऐसे हठीले करते हो कि जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे, जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने दिया और क्या वे चले न गए। सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गाय लो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास ले लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो, फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना कि यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेत शेमेह को चले, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई। उस मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिल्टियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेत शेमेह का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क की सड़क बंबाती हुई चली गई और दहिने मुड़ी न बाएं मुड़ी, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत शेमेह के सिवाने तक गए, और बेत शेमेह के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से वे आनंदित हुए, और गाड़ी यहोशू नाम एक बेत शेमही के खेत में जाकर वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया, और बेत शेमेह के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिल्टियां जो पलिश्तियों ने परमेश्वर की हानि भरने के लिए दोष बलि करने के लिए दी थी, उनमें से एक तो अश्दोद की ओर से, एक अज्जा, एक अश्कलोन, एक गत और एक्रोन की ओर से दी गई थी, और वह सोने के चूहे क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के नगर, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा था वहां पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर तो आज तक बेत शेमेह यहोशु के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेत शेमेह के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 पुरुष और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब
बेचैमे के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्थ त्यारीम के निवासियों के पास यो कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने तो यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहां ले जाओ।